तो ये अपना दूसरा दिन है और हम लोग अपने पॉन्ड के लिए फ़िश ले आए हैं। ये देखिए इस पॉलीथिन में ये फ़िश है, ये देखिए आप देख रहे होंगे। मैं चार फिश अपने इस पॉन्ड के लिए लेके आ रहा हूँ। मैंने सिर्फ चार फिश लिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पॉन्ड है, छोटा सा ही पॉन्ड है, चार फिश बहुत ही आराम से रह लेंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ अपने गार्डनिंग लॉजिक का यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग की ख्वाहिश होती है कि हम लोग के गार्डन में सभी तरह के पौधे हों, चाहे वो कुछ फ्रूटिंग प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो या कुछ ऐसे पौधे हो जिनको हम लोग अपने डेली लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन नेचर में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो हम लोग के गार्डन में हो तो हम लोग के गार्डन को कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बना देते हैं, जैसे कि हम लोग के वाटर प्लांट्स हो गए। अगर हम लोग के गार्डन में वाटर प्लांट्स लगे हों, उसमें फिशेस पड़ी हों, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और हम लोग के गार्डन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। आप सभी लोग अपने सामने ये पौधा देख रहे होंगे, आप सभी लोग इस पौधे से परिचित होंगे। ये पौधा हम लोग का वाटर ग्रास है, इसको अम्ब्रेला पाम भी कहा जाता है। ये पानी में बहुत ही आसानी से ग्रो करता है और काफ़ी हेल्दी ग्रो करता है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है ये पानी में। ये एक बुशी प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है, इसको पानी में भी बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। तो आज हम लोग सीखेंगे हम लोग अपने गार्डन में पौंड किस तरीके से बना सकते हैं। मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हम लोग के नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हम लोग के नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार ज़रूर शेयर करिएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, हम लोग का अम्ब्रेला पाम है, ये लोकल नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसको एज ए ग्रास ग्रो किया जाता है, ये मिट्टी में और पानी में दोनों में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और काफ़ी फास्ट ग्रो करने वाला ये पौधा है। इसमें नीचे से देखिए ये काफ़ी सारी पत्तियाँ निकलती रहती हैं इस तरीके से, और ये नीचे से ही ऑटोमेटिक ये मल्टीप्लाई होता रहता है। मैं आप लोग को दिखाऊँ, मैंने इस पौधे का छोटा सा बच्चा पहले से ही पानी में ग्रो कर रखा, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और काफ़ी तेज़ ग्रो कर रहा है, उसकी रूट्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करने लगी है। तो ये देखिए, ये मेरे कुछ और वाटर प्लांट्स हैं, ये मैं इसी तरीके से वाटर कैबेज इसी तरीके से ग्रो करते, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, इसी तरह से ये मल्टीप्लाई होती रहती है। इसको ग्रो करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, ये इसी तरीके से ग्रो करती है, अपने आप को मल्टीप्लाई करती रहती है। ये देखिए, मैं इस पौधे की बात कर रहा था, मैंने ये छोटा सा बच्चा ग्लास में लगाया हुआ है। ये देखिए इसकी रूट्स आप देख रहे होंगे नीचे से, ये देखिए काफ़ी हेल्दी इसकी रूट्स ग्रो कर रही हैं और इसमें न्यू लीफ भी निकल रही है। ये देखिए छोटे छोटे शूट निकल रहे हैं, न्यू लीफ निकल रही है। तो आज हम लोग अपने बड़े वाले पौधे को पॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने इस पौधे को तैयार कर लेते हैं पॉन्ड में लगाने के लिए। आप देख रहे होंगे ये पौधा हम लोग का नॉर्मल मिट्टी में लगा हुआ है, कंपोस्ट मिट्टी में लगा हुआ है, रेगुलर गार्डनिंग सॉइल में। तो इसके ऊपर से हम लोग को एक सैंड की मोटी सी लेयर लगानी होगी, क्योंकि जो हम लोग का ये वाला पॉट है ये पूरा पानी में नीचे डिप हो जाएगा और हम लोग इसके ऊपर अगर सैंड की लेयर नहीं करेंगे तो मिट्टी डिजॉल्व होने लगेगा, हम लोग का पानी गंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को इसके ऊपर सैंड की बिल्कुल अच्छी सी लेयर लगा देनी है। ये देखिए मैं ये सैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मोरंग घर बनाने में इस्तेमाल होती है। इसको मैंने पानी से बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया है, इसमें काफ़ी मात्रा में मिट्टी होती है तो इसको पानी से पहले वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस्तेमाल करिएगा। तो देखिए कुछ वॉश करने के बाद इस तरीके से दिखने लगेगी। वो वॉश करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप इसको एक बकेट में डालिए और उसमें पानी भर दीजिए, हाथ से उसको चलाते रहिए, मिट्टी इसकी सारी डिजॉल्व हो जाएगी। तीन चार बार इसी तरीके से करना जब तक पानी लगभग क्लियर जैसा ना होने लगे। तो हम लोगों को इस तरीके से करके एक मोटी सैंड की लेयर लगानी है इस पर। इस तरीके से हम लोग को सैंड की लेयर लगानी, इसके ऊपर स्टोन्स की लेयर नहीं लगानी। आप देख रहे होंगे इसके ये छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, अगर हम लोग इसके ऊपर स्टोन्स की लेयर कर देंगे तो ये बच्चे ग्रो होने में दिक्कत करेगा। तो इस तरीके से हम लोग को ये सैंड की लेयर कर देनी है। अब हम लोग का पानी लगभग गंदा नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग अभी पानी भरेंगे थोड़ा सा पानी धुंधला होगा, लेकिन वो 12 से 24 घंटे के अंदर ना हम लोग का पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो चलिए आगे मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग पॉन्ड बनाने के लिए और किस किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने 14 इंच का प्लास्टिक का एक पॉट लिया है, मैं आप लोग को दिखाऊँ। ये देखिए 14 इंच का प्लास्टिक का पॉट है, ये देखिए लिखा हुआ 14 नंबर, 14 इंच का प्लास्टिक का पॉट है। इस छोटे वाले पॉट को पूरा हम लोग इसके अंदर फिट कर देंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये देखिए ड्रेनेज होल के लिए छोटे छोटे उभार बने हुए हैं, तो हम लोग कुछ छोटे छोटे स्टोन्स रखेंगे ताकि ये वाला पॉट हम लोग का बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए। तो मैं सारी चीज़ें करता जा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा, और जहाँ पर भी आप लोग को कुछ समझना है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो हम लोग ये कुछ मार्बल की कटिंग ले रहे हैं, मार्बल कटिंग हम लोग इस तरीके से इसमें नीचे फिक्स करेंगे। ये हम लोग इसलिए रख रहे हैं ताकि हम लोग को ये जो पॉट है प्लांट वाला वो अच्छे से फिक्स हो जाए, बिल्कुल सेट हो जाए।
कुछ इस तरीके से हम लोग ये स्टोन्स को रखेंगे, इसके बाद हम लोग अपने पॉट को इसमें फिक्स करेंगे। तो बहुत ही आराम से हम लोगों को बिल्कुल सेंटर पे ये वाला पॉट रख देना। इस तरीके से हम लोग को ये पॉट को रख देना बिल्कुल सेंटर पे। मैं आप लोगों को और पास से दिखाता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इस पॉट को बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर दिया है। आप देख रहे होंगे, देखिए साइड में काफ़ी ज़्यादा कैविटी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो ये कैविटी हम लोग को थोड़ी थोड़ी भरनी पड़ेगी, लगभग नीचे 2 इंच तक की कैविटी हम लोग को भरनी पड़ेगी। क्योंकि होगा क्या, जब हम लोग इसमें फ़िश ऐड करेंगे तो फ़िश अगर नीचे साइड चली जाती है तो वो नीचे फंस जाएगी। तो हम लोग को नीचे साइड से कैविटी बंद करनी होगी। आप चाहें तो इसमें एकदम फिक्स पॉट ले सकते हैं जो इसके डायमीटर को एकदम अच्छे से फिक्स हो जाए। मुझे ऐसा कोई पॉट मिल नहीं रहा था जो इसके एकदम फिक्स हो जाए, तो मैं इसमें कैविटी फिल कर दे रहा हूँ। इसकी कैविटी फिल करने के लिए हम लोग ये छोटे स्मॉल स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको भी मैंने बिल्कुल अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। आप लोग भी छोटे छोटे स्टोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ये जो वॉश करी हुई मोरंग इस्तेमाल की, इससे भी आप लोग कैविटी फिल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को साइड में ये कैविटी फिल कर देनी है। तो इस तरीके से जो खाली कैविटी थी इसको मैंने फिल कर दिया। तो लगभग 75% हम लोग का काम हो गया है। अब इसमें हम लोग को वाटर फिल करना है। कम से कम आप लोग 24 घंटे पहले स्टोर करा हुआ वाटर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि हम लोगों को इसमें फ़िश ऐड करनी है, तो फ़िश के लिए बिल्कुल फ्रेश वाटर अच्छा नहीं होता। एटलीस्ट 24 घंटे पहले स्टोर करा हुआ वाटर उनके लिए अच्छा होता है। तो मैंने पहले से ही वाटर स्टोर करके रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसमें पानी भर लेते हैं। तो मैं ये पानी ले आया हूँ। अब हम लोग को इसको बहुत ही आराम आराम से इसमें भरना है, इस तरीके से ग्लास की मदद से एकदम आराम आराम से भरना। हम लोग को डायरेक्ट इस सॉइल के ऊपर नहीं गिराना पानी, बल्कि साइड में इस तरीके से डालना है। कुछ इस तरीके से हम लोग को बिल्कुल आराम आराम से पानी भरना है। और आप लोग एक बात ये ध्यान रखिएगा, पानी भरने से पहले आप लोगों को उस जगह पे ये पॉट रख लेना है जहाँ पर आप इसको रखना चाहते हैं, क्योंकि जब इसमें पानी भर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा, फिर इसको इधर उधर करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो चलिए पहले मैं इस पॉट को रख लेता हूँ, नहीं तो फिर वाटर भरने के बाद मुझे शिफ्ट करने में दिक्कत होगी। तो मैंने इसको इस जगह पर रख दिया। मैंने इसको सारे पॉट्स के बीच में सेटल किया है। इस जगह पर साइड में देखिए हम लोग का बोनसाई रखा हुआ है, और ये इसके बगल में मैंने इसको रखा है, और भी यहाँ पर देखिए साइड में छोटे छोटे पॉट हम लोग के लगे हुए हैं इस तरीके से। तो अब हम लोग इसमें पूरा पानी भर देते हैं। तो ये हम लोगों ने पानी बिल्कुल अच्छे से भर दिया। वैसे तो हम लोग का पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अंदर तक दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दिन तक का टाइम देंगे पानी को, जो हल्का फुल्का डस्ट पार्टिकल उसको सेटल होने का टाइम देंगे, फिर उसके बाद ही हम लोग इसमें फ़िश ऐड करेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर कल हम लोग इसमें फ़िश ऐड करेंगे। तो ये अपना दूसरा दिन है और हम लोग अपने पॉन्ड के लिए फ़िश ले आए हैं। ये देखिए इस पॉलीथिन में ये फ़िश है, ये देखिए आप देख रहे होंगे। मैं 4 फिश अपने इस पॉन्ड के लिए लेके आ रहा हूँ। मैंने सिर्फ 4 फिश ली क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पॉन्ड है, छोटा सा ही पॉन्ड है, 4 फिश बहुत ही आराम से रह लेंगी। इस टाइप के छोटे पॉन्ड में मौली फिश और गप्पी फिश बहुत ही अच्छे से ग्रो करती हैं। अगर इन फिश को प्रॉपर हैबिटेट मिलता तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करती हैं और अपने आप को ये मल्टीप्लाई भी करती हैं, यानी ये छोटे छोटे बच्चे भी देती हैं। तो आप लोग इस तरह के छोटे पॉन्ड में मौली फिश और गप्पी फिश बहुत ही आराम से रख सकते हैं। अगर आपके पास वाटर लिली या लोटस रखा हो तो आप लोग इन फिश को उस पर भी डाल सकते हैं। इन फिश के होने की वजह से इसमें किसी भी तरह के मॉस्किटो के बच्चे नहीं हो पाते, ये सारे मॉस्किटो के बच्चे खाती रहती हैं। और आपने देखा होगा मैंने ये पैकेट इस तरीके से वाटर में रहने दिया था। इसको हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जिस शॉप से मैं ये फ़िश लेके आया हूँ वहाँ का वाटर टेम्परेचर अलग होगा और हम लोग के इस पॉन्ड का वाटर टेम्परेचर अलग होगा। तो अगर डायरेक्ट ला के हम लोग इसको मिला देते हैं तो वाटर चेंजमेंट की वजह से हम लोग के फिश शॉक में आ सकती हैं और वो मर सकती हैं। तो कम से कम 20 मिनट तक हम लोग को इसी तरीके से पानी में छोड़ देना अपने पॉलीथिन को, ताकि ये जो पॉलीथिन का वाटर और हम लोग का पॉन्ड का वाटर टेम्परेचर सेम हो जाए, हम लोग फिश अच्छे से एडजस्ट कर ले। जिन लोगों के पास एक्वेरियम होगा वो ये समझ रहे होंगे इस तरीके से करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोग के फिश के लिए, और ये फ़िश बहुत ही कॉमन होती है, आप लोग को किसी भी एक्वेरियम शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट हम लोग ये फ़िश को खोल लेते हैं, एक छोटे बाउल में निकाल लेते हैं, फिर मैं आप लोग को पास से दिखाता हूँ फ़िश किस तरीके से दिख रही हैं। ये देखिए ये फ़िश कुछ इस तरीके से होती हैं, ये देखिए आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी लगती हैं देखने में, छोटी छोटी सी फ़िश होती हैं। मैं 2 ऑरेंज लेके आया हूँ, 2 ब्लैक कलर की फ़िश लेके आया हूँ। तो ये 4 फिश हम लोग के पॉन्ड में बहुत ही आराम से रह लेंगी, काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगी। और आप लोग एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका छोटा पॉन्ड है जैसे मेरा ये छोटा सा पॉन्ड है, तो इसमें सिर्फ 4 फिश सफिशेंट होगी, बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत सारी फ़िश हम लोग को नहीं ऐड करनी है, क्योंकि ये जो इसमें वाटर है बहुत थोड़ा सा ही है। अगर हम लोग बहुत सारी फ़िश डाल देंगे तो ऑक्सीजन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फ़िश मर जाएगी।
चलिए अब हम लोग अपने इन फिशेज को इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को अपने ये फिशेज को इस फिशिंग नेट में निकाल लेना है। ये देखिए ये फिश हम लोग को इसमें निकला है। अब हम लोग को बहुत ही आराम से इसमें ऐड कर देना अपने फिशेज को। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ पास से। ये देखिए हम लोगों ने इसमें अपने फिश ऐड कर दिए। तो ये देखिए यहाँ पर इस जगह पे हम लोग के फिश है, वो पीछे साइड हम लोग के फिश आप लोग को दिख रही होगी। ये देखिए ये आगे आ रही फिश। तो इस तरीके से हम लोग को ये सारी फिशेज इसमें ऐड कर देनी है। कुछ टाइम में जब ये फिश अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी तो ऊपर ऊपर अच्छे से स्विम करने लगेगी। तो ये तो रही फिश की बात कि हम लोग अपने पॉन्ड में कौन सी फिश ऐड करेंगे और किस तरीके से हम लोग को ऐड करनी है। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग अपने फिश को फीडिंग में क्या देंगे। जिस एक्वेरियम शॉप से आप लोग फिश खरीदेंगे वहाँ पर फिश फूड भी मिलता है। कुछ इस तरीके से फिश फूड का पैकेट आता है। ये मेरा काफ़ी बड़ा पैकेट है, वहाँ पर 20 रुपये का छोटा पैकेट भी आता है। मैं हमेशा बड़ा पैकेट फिश फूड लेके आता हूँ क्योंकि हम लोग के पास एक्वेरियम भी है पहले से। तो अगर आप इस छोटे पॉन्ड के ले रहे हो तो आप 20 वाला फिश फूड ले सकते हैं, बहुत ही आराम से आपका काम चल जाएगा। जो 20 वाला फिश फूड आता है वो दूसरे कलर का होता है, शायद उसके ऊपर टोकियो लिखा होता है, इसके ऊपर ऑप्टिमम लिखा हुआ है। तो हम लोग को फिश फूड खरीदना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अपने फिश को आटे की गोलियां या कुछ और खिलाने की कोशिश ना करिएगा, उससे पानी काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है। तो ये फिश फूड कुछ देखने में इस तरीके से होता है, छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से ये छोटे छोटे दाने होते हैं, इसको बहुत ही आराम से फिश खा लेती है। तो हम लोग इसमें कुछ दाने फिश फूड के डाल देते हैं इस तरीके से। ये देखिए कुछ छोटे छोटे दाने हम लोगों ने डाल दिए। वैसे तो फिश को तुरंत खाना नहीं दिया जाता, कुछ समय बाद खाना दिया जाता है, लगभग एक दिन बाद। लेकिन देखते हैं हम लोग के फिश खाने आती कि नहीं आती, क्योंकि अभी वो थोड़ी डरी होगी तो होपफुली वो खाने नहीं आएगी। तो अब मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें हम लोग को रेगुलर वाटर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं डिजॉल्व की जा रही। तो हम लोग को फिश की अच्छी ग्रोथ के लिए हम लोग को इसका पानी चेंज करते रहना पड़ेगा। मैंने इसमें 4 फिश खाली ऐड की, तो लगभग मैं इसका 15 दिन में एक बार इसका पानी चेंज करूँगा। लगभग इसका 50% पानी मैं निकाल लूँगा, फिर इसमें फ्रेश वाटर ऐड कर दूँगा। वाटर चेंज के समय हम लोग को फिश को निकालने की ज़रूरत नहीं, नीचे जो थोड़ा पानी होगा फिश उसमें आराम से नीचे बैठ जाएगी। और आप लोग अपने पॉन्ड के पास किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करिएगा क्योंकि इसमें लाइव फिशेज हैं, तो हम लोग फिश को नुकसान पहुँचा सकती है। और इसमें हम लोग को किसी भी तरह के फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि जो फिश वेस्ट होगा उससे प्लांट को फर्टिलाइजर मिलता रहेगा और प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग को ये फिश पॉन्ड बनाना है। मैंने आप लोग को पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई कैसे हम लोग को पॉन्ड बनाना है, कैसे इसकी सॉइल यूज़ करनी है, कैसे हम लोग को फिश ऐड करनी है। तो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप शेयर करी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करिए, मैं इसी टाइप की छोटी छोटी वीडियोज़ बना के वहाँ डालता रहता हूँ, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, एक बार ज़रूर शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस जगह पे स्क्रीन पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा के हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में हम लोग के नए चैनल का भी लिंक आ रहा होगा तो आप लोग उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में पहले के कुछ वीडियोज़ का लिंक आ रहा होगा तो आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अनदर वीडियो से, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय, टाटा।